Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel, Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So, आज है हमारा second part, ठीक है? Chapter था हमारा Our Earth's Natural Satellite, that is chapter number 13, ये part 2 है. Part 1 क्या हुआ था? अचानक से ना कुछ problem आ गई थी, तो part 1 अचानक से खत्म हो गया था. तो इसी वजह से मैंने जो है ये part 2 डाला है. अब पार्ट टू में हम लोगों ने देखो, पार्ट वन में हमने एक्लिप्स ऑफ द मून पे हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो ल्यूनर एक्लिप्स तक की बात हमारी हो गई थी. अब हम इसके आगे का पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं. व्हेन द मून इज कम्प्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, जब मून पूरी तरह से, ठीक है, डार्क शेडो में आ जाता है अर्थ की, तब क्या हो जाता है? इट इज अ टोटल ल्यूनर एक्लिप्स. तब होता है हमारा टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण हम उसको बोलते हैं. पूरा परछाई में आ जाता है, पूरा अंधेरे में आ जाता है, तभी तो हमारा टोटल जो है वो ल्यूनर एक्लिप्स कहलाता है. वो व्हेन द मून इज ओनली पार्शियली हिडन, जब मून जो होता है वो केवल पार्शियली हिडन हो, यानी कि थोड़ा सा ही छिपे, ठीक है? पार्शियली हिडन मतलब थोड़ा ही छिपे, परछाई के अंतर्गत थोड़ा ही आए, तब हम उसको बोलते हैं पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है? तब हम उसको बोलते हैं पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स बोला जाता है उसको. When the moon comes of the shadow of the earth, जब moon आ जाता है, comes out of the shadow, यानी कि बाहर आ जाता है shadow से. किसकी shadow से बाहर आ जाता है moon? Earth की shadow से जब वो बाहर आ जाता है. The eclipse is over, तब हम बोलते हैं कि जो ग्रहण है वो पूरा हो गया, finish हो गया. कहते हैं ना ग्रहण खत्म हो गया, खत्म हो गया मतलब वो परछाई से बाहर आ गया, अब हमको दिखाई देने लग गया है वो. At this time of the eclipse, इस समय क्या होता है eclipse के समय पे, the sun, the earth, the moon are in straight line. ये सब के सब स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, as shown in the figure. A lunar eclipse occurs only at night. Lunar eclipse, देखो चंद्रमा तो रात को ही होता है, तो lunar eclipse भी कब होगा? केवल रात को होता है. अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ. जस्ट एज द अर्थ कास्ट अ शेडो ऑन द मून, जिस तरीके से अर्थ जो है वो मून पे शेडो बनाती है, कास्ट करती है शेडो ऑन द मून, द मून ऑल्सो कास्ट द शेडो, मून भी शेडो कास्ट करता है ऑन द अर्थ, ठीक है? मून की भी शेडो पड़ती है हमारे अर्थ पर, समझ लो. जिस तरीके से अर्थ की शेडो मून पर पड़ती है, ऐसे ही मून की शेडो भी अर्थ पर पड़ती है, ठीक है? जस्ट एज द अर्थ कास्ट अ शेडो ऑन द मून ऑल्सो कास्ट अ शेडो ऑन द अर्थ. व्हेन पीपल इन द शेडो ऑफ द मून कैन नॉट सी द सन, जब लोग जो होते हैं, क्योंकि वो शेडो पड़ रही है मून की, तो सन को नहीं देख पा रहे होते हैं. फिर से समझो, व्हेन पीपल इन द शेडो ऑफ द मून, लोग जिन पर मून की शेडो पड़ रही होती है, कैन नॉट सी द सन, वो सन को नहीं देख पाते हैं. इट इज एन एक्लिप्स ऑफ द सन, हम इसको क्या बोलते हैं? एक्लिप्स ऑफ द सन बोलते हैं, जिसको हम सोलर एक्लिप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है? सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के नाम से हम जानते हैं. व्हेन द सन इज कम्प्लीटली हिडन बिहाइंड द शेडो ऑफ द मून, जब सूरज पूरा चंद्रमा की जो परछाई है उसके पीछे छिप जाता है जाकर, तब क्या होता है? इट इज टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है. व्हेन द शेडो ऑफ द मून हाइड्स ओनली अ पार्ट ऑफ द सन, जब केवल थोड़ा सा ही पार्ट जो है वो छिपता है, तब हम इसको बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स, मतलब पार्शियल माने थोड़ा सा पार्ट इसका हुआ है, ठीक है? अब एट दिस टाइम ऑफ द एक्लिप्स, इस समय एक्लिप्स के क्या हो जाता है? सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, ये तीनों के तीनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. वंस द मून मूव्स आउट ऑफ द लाइन, द एक्लिप्स इज ओवर, जैसे ही चंद्रमा इस लाइन से मूव आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो फिर डायरेक्ट दिख रहे हैं ना एक दूसरे को हम, तब क्या होता है? हम बोलते हैं कि ये सूर्य ग्रहण जो है वो खत्म हो गया, अब हमें चंद्र वो सूर्य जो है वो पूर्णतः से दिखने लग जाता है. अ सोलर एक्लिप्स अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, अब सोलर एक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, तो कब होता है? केवल ये दिन में ही होता है. यू शुड नॉट लुक एट द सोलर एक्लिप्स विद द नेकेड आईज, आपको कभी भी नंगी आंखों से, यानी कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए, मतलब आपकी आंखें बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती हैं, आप अंधे भी हो सकते हैं, इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत करना कि सूर्य ग्रहण को आप डायरेक्ट देखें, बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए. इट कैन हार्म योर आईज, हैज अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द अर्थ, अब सॉरी, इट कैन हार्म योर आईज, यहां तक ही. फिर मून एंड इट्स टाइड्स, अब जो पानी के अंदर आपने देखा होगा लहरें उठती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं ना, बहुत बड़ी हाई टाइड लो टाइड वगैरह आती हैं, ये कैसे होती हैं? ये भी चंद्रमा की वजह से होती हैं, उसके ऊपर होती है ग्रेविटी, ठीक है? एक खिंचाव, जो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ग्रेविटी कितनी होती है, बेटा ग्रेविटी कितनी होगी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कितनी होंगी, तो एक ही है, मतलब बल है वो, तो उसमें कोई काउंटेबल चीज नहीं थी, ठीक है? Although the moon's gravity is very weak, हम ये जानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी तो है बहुत ज्यादा, इसी वजह से हम चल पा रहे हैं, लेकिन मून की जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, ठीक है? इट हैज अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द अर्थ, इसका है नोटिसेबल इफेक्ट अर्थ के ऊपर, यानी कि हम नोटिस कर सकते हैं अर्थ के ऊपर. इट पुल्स, लेकिन देखो चंद्रमा की ग्रेविटी वो कह रहे हैं कम तो है, ठीक है, बहुत वीक तो है, लेकिन फिर भी इतनी ग्रेविटी है कि हम धरती से उसकी ग्रेविटी को नोटिस कर सकते हैं. आप कैसे नोटिस कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ इस बात का?
इट पुल्स द वाटर ऑफ द सीज एंड ओशंस ऑफ द अर्थ कॉजिंग टाइड्स. जो चंद्रमा है, लेट सपोज ये हमारा चंद्रमा है, ये मेरी धरती है, ठीक है. तो चंद्रमा के ऊपर की जो ग्रेविटी होगी वो धरती के जो ओशंस वगैरह का पानी है अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, जिसकी वजह से पानी ऐसे टाइड्स बनती है, ठीक है, समझ रही हो. इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, टाइड्स बनती है. सिंस द मून इज क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, क्योंकि जो मून है हमारा वो पास है हमारा. अगर हम सन के अकॉर्डिंग देखें तो सन दूर है और मून हमारे पास है काफी. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, द मून पुल्स द वॉटर इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द सन. तो सन के मुकाबले मून जो है पानी को ज्यादा जल्दी पुल कर पाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तरीके से पुल कर पाता है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग टाइड्स आती है हमारे यहाँ. द वॉटर ऑफ द सीज एंड द ओशंस ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून इज अट्रैक्टेड अपवर्ड्स. जो सी का पानी होता है वो वाली साइड का पानी जो कि मून की साइड है, जिसकी जो जो, जो मतलब कहना चाहिए जो पार्ट जो है मून की साइड है, वो साइड का पानी जो है वो ऊपर की तरफ पुल करते हैं, ठीक है, पुल करते हैं. किसकी वजह से पुल हो रहा है, वो जो सन के ऊपर हमारी ग्रेविटी है उसकी वजह से वो पुल होता है. अब वहां आती है दिस अट्रैक्शन कॉजेज हाई टाइड. इस अट्रैक्शन की वजह से हाई टाइड आ जाती है, ठीक है. हाई टाइड मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठना, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठती है वहां पे. इन द एरियाज बिटवीन द टू हाई टाइड, मान लो ये एक हाई टाइड है, ये एक हाई टाइड है, इसके बीच में जो आएगी टाइड उसको क्या बोलते हैं, लो टाइड बोलते हैं, ठीक है. इसके बीच में जो टाइड्स होती हैं वो लो टाइड कहलाती हैं. वाटर फॉर्म करते हैं लो टाइड इन दोनों के बीच में. हाई टाइड के बीच में होगा लो टाइड फॉर्म, ठीक है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द लो टाइड्स एवरी डे. देखो रोटेशन की वजह से, अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है, इसकी वजह से होते हैं टू लो टाइड्स एवरी डे. दो लो टाइड्स हर रोज होते हैं, किसकी वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से. द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, कितनी तेज आएगी कोई चीज, ठीक है. द इंटेंसिटी ऑफ द टाइड्स वरी करती है, माने अलग. ये किसी ने वरी वर्ड का मतलब भी मुझसे पूछा था, वरी मतलब अलग अलग होना, ठीक है. वरी विद द फेसेस ऑफ द मून, मतलब अलग अलग होती है इंटेंसिटी, माने वरी करती है, यानी कि कभी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कभी इंटेंसिटी कम होगी. तो ये जो वरी करना होता है, ये जो डिफरेंस आता है विद द फेसेस ऑफ द मून आता है, कितने पार्ट पे लाइट पड़ती है उसके हिसाब से. द हाइएस्ट टाइड्स अक्कर होती हैं एट द टाइम ऑफ द न्यू मून. सबसे ज्यादा हाई टाइड कब आती है, न्यू मून के टाइम पर आती है. आपको बात याद रखनी है कि हाई टाइड मैम पूछ सकती है भाई सबसे ज्यादा हाई टाइड कब होती है, तो न्यू मून के टाइम पर होती है एंड फुल मून के टाइम पर होती है, ठीक है. न्यू मून के टाइम पर सबसे ज्यादा हाई टाइड होगी और फुल मून के टाइम पे सबसे ज्यादा हाई टाइड होगी. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लो. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी इंसान के द्वारा बनाई गई ये सैटेलाइट्स होती हैं. सैटेलाइट देखो, हमारी एक तो नेचुरल सैटेलाइट है वो है हमारा मून. इसके अलावा साइंटिस्ट ने क्या किया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बनाई है, समझ के. एक सैटेलाइट कौन सी है हमारी जो नेचुरल है, दैट इज मून. उसके अलावा साइंटिस्ट ने और कौन सी सैटेलाइट्स बनाई है, ठीक है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे. वो कहलाती है आर्टिफिशियल, इंसान के द्वारा बनाई गई मैन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ये सैटेलाइट्स भी हमारी अर्थ के चक्कर लगाती रहती है, ठीक है. नेचुरल सैटेलाइट मून हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है, ऐसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हमारे अर्थ के चक्कर लगाती है. द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज मून. अर्थ की केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है. द अर्थ ओनली लाइक मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी रिफ्लेक्ट करती हैं सन की लाइट को. मून की तरह ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी रिफ्लेक्ट करती हैं सन की लाइट को एंड कैन बी सीन क्लियरली इन द नाइट स्काई. रात को ये आसानी से देखी जा सकती हैं. द स्पेस एज बिगिन होती है 1957 से. ये बात याद कर लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन कब से बिगिन होती है. और क्या हुआ था 1957 में, वन द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट जिसको स्पोनिक 1 बोलते हैं वाज लॉन्च्ड टू द ऑर्बिट इन द स्पेस, ठीक है. अब वापस से पढ़ो यहाँ से क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा. स्पेस एज बिगिन होती है 1957 से. स्पेस एज बिगिन होती है 1957 से. तब क्या हुआ था, वेन द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, सबसे पहली इंसान के द्वारा बनाई गई सैटेलाइट वो कौन सी थी, स्पोनिक 1 लॉन्च की गई थी. कहाँ पर, ऑर्बिट में. ऑर्बिट क्या होता है, जिस रास्ते पर सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे वो रास्ता ऑर्बिट होता है, ठीक है. उस ऑर्बिट में लॉन्च की गई थी इनटू द स्पेस और किसने की थी, बाय द रशियन साइंटिस्ट. रशियन साइंटिस्ट के द्वारा ये किया गया था, ठीक है. सिंस देन, तब से थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट. उसके बाद तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो सेंड करते गए लोग, ठीक है. अलग अलग देशों से वो सैटेलाइट्स होंगे, हैव बीन सेंट इनटू द स्पेस. ऑन 12 अप्रैल 1961 मेजर यूरी गागरिन ऑफ रशिया बिकेम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू गो इनटू द स्पेस. बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वो कौन से पहले साइंटिस्ट थे या कौन पहला वो व्यक्ति था
जिसे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मैन जो बने थे वर्ल्ड के, गो इनटू स्पेस, जो कि स्पेस में गए थे, वो थे यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन, और ये थे रशिया के, ठीक है। और कब गए थे ये डेट भी पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखो 12 अप्रैल 1961, ठीक है। अब वैलेंटिनिया टारिशकोवा ऑफ रशिया वॉज द फर्स्ट वुमेन, अब ये भी जो है वैलेंटिना टारिशकोवा जो थी ये पहली स्त्री बनी, जो लेडी कहना चाहिए, जो स्पेस में गई होंगी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू गो इन टू द स्पेस। अब ये कब गए, ऑन 3 अप्रैल 1864 को, नहीं ये कब गई है ये तो नहीं दे रखा। अब हमारे इंडिया के बारे में बता रखा है कि ऑन 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकम द इंडिया फर्स्ट मैन टू गो इन टू स्पेस, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे जो कि पहले लीडर, जो मतलब एक तरीके से पहले व्यक्ति थे भारत के जो कि स्पेस में गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का पहला व्यक्ति बताओ कब गया था स्पेस में, कौन गया था भारत का, कौन था वो पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया था, तो उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि खोजिए भाई आंसर कि वो इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इनटू द स्पेस, तो खोज लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आर्यभट्ट लॉन्च्ड इन 1975, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, 1975, वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, ये था पहला भारतीय सैटेलाइट, ठीक है। अब भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, इन सबके नाम याद कर लेना अच्छे से। इनसेट 3C, इनसेट 3A एंड इनसेट 3E आर सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स, लिखने के लिए आ सकता है, राइट द नेम्स ऑफ सम इंडियन सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये सब नाम है आपको याद कर लेने, पहला याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट जो कि लॉन्च हुआ था 1975 में, ये पहला इंडियन सैटेलाइट था, ठीक है। अब इसके आगे आ जाते हैं, इन अप्रैल 2008 इंडिया ने लॉन्च किया था कार्टोसेट 2A, CARTOSAT, कार्टोसेट 2A एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, रिमोट से चलता होगा, रिमोट सेंस करता होगा एक तरीके से, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, ये स्पेस में छोड़ा गया था। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर, यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो कैसे यूज की जाती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे स्पेस में भेजी जाती है, कैसे इनका वहां पर प्रयोग होता है। अ रॉकेट इज यूज्ड टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक रॉकेट को यूज किया जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इनटू द स्पेस। इनिशियली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वर डिजाइंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो स्टार्टिंग में जब ये बनी तो एक्चुअली तो ये किस लिए बनी थी, इनिशियली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वर डिजाइन, इन्हें डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, किसके लिए किया गया था, फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, जिससे कि भी साइंटिफिक रिसर्च हो सके एंड हमें क्या मिल सके, दे सके हमें, गिव अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसके बारे में दे सके वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, अबाउट द एटमॉस्फेयर। तो इनिशियली जो सैटेलाइट है वो डिजाइन की गई थी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और इसलिए कि वो हमें दे सके वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ, की अर्थ के आसपास का सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर कैसा है उसके बारे में हमें ये जानकारी दे सके। सैटेलाइट्स विच सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, बिल्कुल अंडरलाइन कर लो क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं, वो सैटेलाइट जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक मैसेज ट्रांसफर करी तरीके से जो सेंड करती है, सैटेलाइट्स विच सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दे आर यूज टू सेंड सिग्नल्स ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स, ये यूज की जाती हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स के सिग्नल्स को भेजने के लिए भी, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। वेदर सैटेलाइट टेक पिक्चर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, जो वेदर सैटेलाइट्स होती हैं बच्चे वो पिक्चर्स क्लिक कर लेती हैं, ठीक है, मूवमेंट कैसा चल रहा है क्लाउड का, और फिर इन पिक्चर्स को देख के क्या होता है, ये हमें हेल्प करती हैं फोरकास्ट करने में, फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी करने में, पहले से बताने में कि अब वेदर कैसा रहेगा। टीवी में आ जाता है ना कि आज बारिश होगी, आज ओले पड़ेंगे, आज बहुत गर्मी होगी, तो ये सारी फोरकास्ट होती कैसे है, वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से, ठीक है, वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से हमें पिक्स वगैरह मिल जाती हैं, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके भी, और उन पिक्स की हेल्प से हम लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर पाते हैं, मिल पाती है हमें। दे कैन गिव अस अर्ली वार्निंग्स ऑफ डेंजरस स्टॉर्म्स, इसकी वजह से हमें पहले ही वार्निंग मिल जाती है बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म्स, तूफानों के बारे में और साइक्लोन्स के बारे में, जो कि बिल्डिंग ओवर हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं सीज के ऊपर, ठीक है। साइक्लोन कहाँ बनते हैं, समुद्र पे बनते हैं, तो सब भविष्यवाणी पहले से ही समझ लो, सब वार्निंग तभी तो मिल पाती है, भविष्यवाणी हो जाती है तो हमें वार्निंग मिल गई, वो जिससे क्या होगा भी लोग दूर चले जाएंगे उस इलाकों से जहां पे भी कोई भी इस तरह का खतरा होगा। तो बिल्डिंग फॉरेस्ट फायर्स के बारे में मिल जाती है, फ्लड्स के बारे में मिल जाती है जानकारी पहले, और मूविंग ग्लेशियर्स के बारे में भी हमें पहले ही जानकारी मिल जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं सैटेलाइट्स को टू टेक स्पेशल मेजरमेंट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम, अब ये भी पूछा जा सकता है एस्ट्रोनॉट्स जो है वो सैटेलाइट का क्या यूज करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं सैटेलाइट्स को
स्पेशल मेजरमेंट के लिए सोलर सिस्टम के स्टार्स के और गैलेक्सीज के. एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो तो इसी सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. आप स्पेस ट्रैवल के बारे में आ जाओ तो स्पेस ट्रैवलर्स लाइक राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स हैव इंस्पायर्ड यंग पीपल टू गो इन टू स्पेस. इन लोगों की वजह से इन लोगों ने क्या किया भाई, इन लोगों को देखकर और लोगों को भी तो लगता है कि हाँ भाई हम भी स्पेस में जाएं, हम भी कुछ ऐसा करें. ठीक है, एक आपके अंदर से कह सकते हैं कि आपके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी आती है जब आप इन लोगों के बारे में पढ़ते हो कि हाँ भाई हमें भी करना चाहिए, हमें भी पता करना चाहिए. तो इंस्पिरेशन इसे ही कहते हैं. ठीक है, तो ये भी हमें इंस्पायर करते हैं यंग पीपल को टू गो इन टू द स्पेस. ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट लर्न करते हैं अबाउट द स्पेस. एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो पहले लर्न करते हैं स्पेस के बारे में. देन टेक्स ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, सॉरी दिस टेक ईयर्स ऑफ हार्डवर्क. और ये इतना आसान नहीं होता कि आप दो चार दिन का काम है, महीने दो महीने का प्रोजेक्ट है, इसे तो सालों लग जाते हैं. ठीक है, ऐसी जानकारियां प्राप्त करने में सालों लगते हैं एस्ट्रोनॉमर्स को. अब क्या होता है एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है, जो जाते हैं तो ये तो पहले स्पेस के बारे में सीखेंगे, फिर तब तो वहाँ पहुँचेंगे. देयर आर टेलीस्कोप ऑन द अर्थ टू गिव देम अ क्लियर व्यू ऑफ स्पेस. टेलीस्कोप होता है, ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, टेलीस्कोप की वजह से वो हमें क्लियर व्यू दे देता है स्पेस का. टेलीस्कोप से देखते हैं स्पेस की तरफ तो हमें समझ में आ जाता है भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, इस तरह से देख सकते हो. दूरबीन होती है ना, जैसे आप बच्चे आप दूर का देख पाते हो, ऐसे टेलीस्कोप होता है, एक तरीके से उससे बहुत ज़्यादा दूर का नज़र आ जाता है. नाउ अ डेज देयर आर हबल्स टेलीस्कोप. अब ये हबल्स टेलीस्कोप आजकल आ गए हैं. और ये क्या है, कैसे हैं ये, दैट फ्लोट इन द स्पेस. ये स्पेस में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं एक तरीके से. दिस गिव्स अ बेटर व्यू. इसकी वजह से क्या होता है, हमें अच्छा सा व्यू मिल जाता है एंड मोर डिटेल्स हमें मिल जाती हैं. द मिशन कंट्रोल ऑन द अर्थ सेंड्स स्पेस क्राफ्ट विद एस्ट्रोनॉट्स इन टू द स्पेस बाई मीन्स ऑफ रॉकेट्स. अब जो मिशन कंट्रोल है ना अर्थ पे, वो सेंड करते हैं स्पेस क्राफ्ट को. द मिशन कंट्रोल ऑन द अर्थ, मिशन कंट्रोल अर्थ पर क्या करते हैं, सेंड्स स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट को भेजते हैं किसके साथ, विद एस्ट्रोनॉट्स. उन स्पेस क्राफ्ट में कौन जाता है, उनके बैठ के एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं. कहाँ जाते हैं, इनटू स्पेस. और कैसे जाते हैं, बाय मीन्स ऑफ रॉकेट, रॉकेट से उनको भेजा जाता है. ठीक है, इतना क्लियर है. इन स्पेस स्टेशन देयर आर मॉड्यूल्स टू वर्क एंड मॉड्यूल्स टू कीप अलाइव. स्पेस स्टेशन में बिल्कुल मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे आपको काम करना है, ऐसे सब कुछ चलना है. मॉड्यूल्स होते हैं टू कीप अलाइव, जिंदा रहने के लिए भी. सिंस देयर इज अ नो एयर इन द स्पेस. अब क्योंकि भाई हम सबको पता है कि स्पेस में कोई एयर तो है नहीं, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेस सूट्स. अब उनको ना ऐसे ड्रेस पहनाई जाती है, स्पेस सूट ऐसे पहनाया जाता है कि उनकी ना अंदर ही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है हवा का. ठीक है, नहीं तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता ना तो हमारी बॉडी ऐसे स्पेस में जाके ऐसे फट जाती, समझ रहे हो, ऐसे हमारी बॉडी फट जाती. अभी क्या होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी बॉडी पे बाहर से एक प्रेशर पड़ता है, हमारी बॉडी के अंदर से भी ऐसे एक प्रेशर लग रहा है. तो अब तो क्या हो रहा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है, अंदर से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर बराबर हो रहा है धरती पर. ऊपर जाके क्या होगा, बॉडी अंदर से तो प्रेशर लगाएगी एज यूजुअल, कोई चेंज नहीं है, लेकिन बाहर जाकर प्रेशर नहीं लगा तो बॉडी ऐसे फट जाएगी. लेकिन ऐसे स्पेस सूट पहनने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है और फिर बॉडी के बाहर से भी एक प्रेशर लगता है, यानी कि चीजें बिल्कुल धरती की तरह हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, उनकी बॉडी नहीं फटती है, वो सेफ रहते हैं. फिर आगे पढ़ो उसके बारे में. दिस स्पेशल सूट इनेबल देम टू फ्लोट. और इस स्पेशल जो सूट वो पहन के जाते हैं, इसकी वजह से ये फ्लोट भी कर पाते हैं. ठीक है, फ्लोट कर रहे होते हैं, चल तो नहीं पाते, ग्रेविटी बहुत कम है तो वह चलते तो नहीं है, फ्लोट करते हैं लोग. स्पेसमैन हैव टू डू डिफरेंट जॉब्स. अब जो स्पेसमैन होते हैं उनको भी अलग अलग काम करने होते हैं. सम डू एक्सपेरिमेंट्स, कुछ को एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, प्रयोग करने होते हैं. सम वर्क इनसाइड द शटल, कुछ लोग जो होते हैं वो शटल के अंदर काम करते हैं. सम डू रिपेयर आउटसाइड, कुछ जो है वो आउटसाइड रिपेयर का काम करते हैं, द स्पेस क्राफ्ट, यानी स्पेस क्राफ्ट को रिपेयर करते हैं. सम इवन फिक्स सैटेलाइट्स, कुछ जो होते हैं वो सैटेलाइट को फिक्स करते हैं. गॉट इट. When the mission is over, जब मिशन इनका कंप्लीट हो जाता है, जब इनका काम कंप्लीट हो जाता है, the astronauts come back in the space shuttle. Astronauts जो होते हैं वो शटल में बैठ के वापस आ जाते हैं. ठीक है, the shuttles can be used again and again. इन shuttles को तो हम बार बार यूज कर सकते हैं, but the rockets cannot be used. ठीक है, rockets को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, can be used only once. Rockets को हम केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं. चलिए जी, चैप्टर हो जाता है फिनिश. आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. समझ आ जाए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं यही चाहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं इस तरीके से पढ़ा पाऊँ, ठीक है, कनेक्ट कर पाऊँ, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी. एंड आई होप आप इतनी सी हेल्प अपने दोस्तों की कर ही सकते हैं कि उन्हें ये वीडियोज़ आगे भेज सकते हैं. आप कहीं पर भी शेयर कीजिए, अपने स्कूल्स के ग्रुप में शेयर कीजिए,
आप अपने फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने जिस भी अकाउंट पे शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो हेल्प ही करेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।